अस्सलाम वालेकुम इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू फॉर्मेट नंबर्स अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया हम एक्सेल में नंबर्स को किसी भी क्राइटेरिया के अगेंस्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू फॉर्मेट कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करेंगे होम के टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे हाईलाइट्स एंड रूल्स पे क्लिक करेंगे देयर आर सम मोर ऑप्शन इन दिस विंडो ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे तो ग्रेटर देन की विंडो ओपन हो जाएगी हम यहाँ पे क्राइटेरिया को एंटर कर सकते हैं लेट्स सपोज़ हमारा क्राइटेरिया है कि हम 5000 से ज़्यादा वैल्यूज़ वाले सेल्स को हाईलाइट करेंगे तो इसके लिए 6500 को रिमूव करते हैं यहाँ पे 5000 को एंटर करते हैं हम क्राइटेरिया को एंटर भी कर सकते हैं और क्राइटेरिया का सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं सेल सेलेक्ट करने के लिए इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे यहाँ से फाइव को रिमूव करते हैं फ़ाइव वाला सेल सेलेक्ट करते हैं अगेन इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह भी क्राइटेरिया को एंटर किया जा सकता है अब इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट कलर आ रहे हैं हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई कलर चूज़ कर सकते हैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह ये रूल अप्लाई हो जाएगा हम जब भी डेटा पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करते हैं तो डेटा डायनामिक हो जाता है जैसे मैं ये वाला सेल सेलेक्ट करके यहाँ पे टेन थाउजेंड को एंटर करूँगा तो ये सेल भी हाईलाइट हो जाएगा हम इस रोल को एडिट भी कर सकते हैं एडिट करने के लिए सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे मैनेज रूल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ रोल मैनेजर की विंडो ओपन हो जाएगी इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ यहाँ डिफरेंट ऑप्शन आ रही हैं हम करंट सिलेक्शन को ही सिलेक्ट रहने देते हैं न्यू रोल पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से न्यू रोल क्रिएट कर सकते हैं एडिट रूल पर क्लिक करूँगा तो जो हमने ऑलरेडी रूल अप्लाई किया है उसको एडिट कर सकते हैं डिलीट रूल पे क्लिक करूँगा तो जो एग्जिस्टिंग रूल हमने अप्लाई किया है इस पर उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं हमने रूल को एडिट करना है तो हम एडिट रूल पे क्लिक करेंगे तो एडिट फॉर्मेटिंग रूल की विंडो ओपन हो जाएगी फॉर्मेट ओनली सेल्स विद में सेल वैल्यू को सिलेक्ट रहने देते हैं इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन आ रही हैं जैसे इक्वल टू ग्रेटर दैन लेस देन हम ग्रेटर देन को सिलेक्ट रहने देते हैं यहाँ से हम क्राइटेरिया को चेंज कर सकते हैं जैसे मैं इसको रिमूव करके यहाँ सिक्स थाउजेंड एंटर करूँगा फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेटिंग की विंडो ओपन हो जाएगी यहाँ से जो हमने सेल हाईलाइट किए हैं उनको फॉर्मेट भी कर सकते हैं ओके पे क्लिक करता हूँ ओके अप्लाई एंड ओके पे क्लिक करूँगा तो इस तरह ये रूल एडिट हो जाएगा अब हम इस रूल को क्लियर करते हैं क्लियर करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे क्लियर रूल्स पे क्लिक करेंगे क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट पे क्लिक करेंगे तो ये रूल क्लियर हो जाएगा नाउ हम बाकी ऑप्शनस को भी देख लेते हैं इसके लिए डेटा को सिलेक्ट करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं हाईलाइट सेल रूल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी आ रही हैं जैसे लेस देन बिटवीन एंड इक्वल टू हम इनके थ्रू भी नंबर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं टॉप बॉटम रूल्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ भी कुछ ऑप्शंस शो हो रही हैं जैसे टॉप टेन आइटम्स पे क्लिक करता हूँ तो इस डाटा में टॉप टेन वैल्यूज़ वाले सेल हाईलाइट हो जाएंगे मैं यहाँ से टेन डिक्रीज भी कर सकता हूँ जैसे डिक्रीज करके मैं फ़ाइव कर देता हूँ तो इस डाटा में टॉप फाइव वैल्यू वाले सेल हाईलाइट हो जाएंगे यहाँ से कलर को भी चेंज कर सकते हैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये रूल भी अप्लाई हो जाएगा मैं इस सेल को सेलेक्ट करके यहाँ पे फिफ्टीन थाउजेंड एंटर करूँगा तो ये सेल भी हाईलाइट हो जाएगा अब हम इस रूल को भी क्लियर करते हैं इस रूल को क्लियर करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा क्लियर रूल्स पे क्लिक करूँगा क्लियर रूल्स फॉम एंटायर शीट पर क्लिक करूँगा तो ये रूल भी क्लियर हो जाएगा हम अगेन इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं टॉप बॉटम रूल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ मज़ीद ऑप्शंस आ रही हैं अब आप एवरेज पे क्लिक करते हैं ओके okay पे क्लिक करेंगे तो इन वैल्यूज़ की एवरेज से ज़्यादा वैल्यूज़ वाले सेल हाईलाइट हो जाएंगे जैसे इन वैल्यूज़ की एवरेज है सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड थर्टी थ्री यहाँ बॉटम पे एवरेज शो हो रही है तो इस एवरेज से ज़्यादा वैल्यूज़ वाले सेल हाईलाइट हो गए हैं अब हम इस रूल को भी क्लियर कर लेते हैं इस रूल को क्लियर करने के लिए गेंद कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल्स क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट पर क्लिक करेंगे तो ये रूल भी क्लियर हो जाएगा सो दैट इज़ ऑल अबाउट How to format numbers according to criteria. I hope this video will be useful for you. That's all for this video. See you in the next video.